तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल देखने के लिए। तो चलिए अभी मैं ट्रेन ले रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने के लिए CSMT रेलवे स्टेशन। तो इस व्लॉग को पूरा देखिए और मैं आपको पूरा काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल घुमाने वाला हूँ और ये जर्नी मैं आपको पूरा ट्रेन जर्नी से लेके पूरा काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल तक का जर्नी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी बड़ा और लंबा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर क्योंकि ले मज़ा आपको आने वाला है। तो अभी ट्रेन तो वैसे बहुत देर से चल रही है, मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ। मस्जिद पहुँचने वाले अभी थोड़े देर में और उसका जो अगला स्टेशन है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो आप देख सकते हो मस्जिद में जस्ट हम वाले हैं। सो ट्रैक्स वगैरह आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन देख सकते हो साइड में जा रही है, तो उसका मैं आपको वीडियो दिखा रहा था और वो एक्सप्रेस ट्रेन तो बहुत स्लो आ रही थी। तो ये और एक एक्सप्रेस ट्रेन सामने से आ रही थी तो मैंने सोचा चलो आपके लिए यही रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो ये आप देख सकते हो ये ट्रेन मस्त जा रही है, CST से निकलती है तो धीरे धीरे स्लोली आराम से जाती है। तो ये कौन सा ट्रेन है ये नहीं पता, पन जा रही है शायद। ट्रेन जर्नी आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। लॉन्ग जर्नी स्पेशली कैसे लगता है आपको, मज़ा आता है या बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है। और ये आप देख सकते हो सामने विस्टाडोम का कोच लगाया हुआ है यहाँ पे। तो विस्टाडोम में यार कभी तो सफ़र करना है मुझे, देखते हैं अभी कभी टाइम मिलता है सफ़र करने के लिए। विस्टाडोम कोच एक ही कोच होता है पीछे वाला, कितना मस्त AC सही दिखता है यार विस्टाडोम कोच। देखते कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे विस्टाडोम में। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और ये आप सामने देख पा रहे होंगे ट्रैक्स कितने सारे हैं। पहुंच जाएंगे अभी थोड़ी देर में, उसके बाद काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जाएंगे। देखते हैं अभी कैसे जाना है, जहांगीर आर्ट गैलरी के पास है ये तो पता है, तो जाते हैं वहाँ पे और एक्सप्लोर करते हैं काला घोड़ा फेस्टिवल क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में, एंड आपको भी घुमाऊंगा मैं वहाँ पे, वर्चुअली आप भी एंजॉय करोगे काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। और जस्ट हम लोग पहुँच गए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, सामने आप बोर्ड देख सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का और आ गए। तो अभी ट्रेन से उतरने का टाइम आ चुका है और जस्ट पहुँच चुके हैं हम लोग, अभी बज रहे हैं 4:30 और मैं पहुंच गया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो कि मैंने आपको बता दिया है बहुत बार। तो चलिए ये आप देख सकते हो सामने घड़ी और 4:35 हो गए एंड अभी ये मैं बाहर एग्ज़िट ले रहा हूँ ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन से निकल। ये आप देख सकते हो BMC की बिल्डिंग, बॉम्बे महानगर पालिका, और यहाँ से चल के अपने को जाना है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल देखने के लिए। तो ये यहाँ पे पीछे जो है बस स्टैंड है, तो यहाँ से स्ट्रेट यहाँ से आपको चल के जाना है। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ से चल के आइए, स्ट्रेट जाते रहिए ठीक है। वैसे भी आप वीडियो में देखने वाले हो तो टेंशन मत लो, पूरा रोड आपको पता चल जाएगा कैसे जाना है, कितना देर लगता है सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये आप वर्चुअल एक्सपीरियंस करने वाले हो मेरे साथ, आप भी चलोगे मेरे साथ। तो ये हमने रोड क्रॉस कर लिया और ये आप देख सकते हो हम लोग अभी मैं चल के जा रहा हूँ ठीक।
आप भी चलिए मेरे साथ एंड एक्सप्लोर कीजिए पूरा जर्नी एंड टू एंड। तो ये आप देख सकते हो, अभी मैं चल के जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कितने कितने लोग चल के जा रहे हैं। तो ये लोग भी शायद वहीं पे जा रहे होंगे, ऐसे मुझे लगता है। मैं भी जा रहा हूँ। ये बिल्डिंग आप देख सकते हो कितना मतलब कितना सुंदर दिखता है ये सब बिल्डिंग। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो गार्डन वगैरह है यहाँ पे, एंड काफ़ी शानदार दिखता है जय महाराष्ट्र। और यहाँ पे आप देख सकते हो बस वगैरह, PST की बसेस, सूरत लाल बस, ट्रेडिशनल बस है ये, डबल डेकर, तो आपने देखा ही होगा। अभी तो मेरे को नहीं दिख रहा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चालू हो गई है, वो सामने आप देख सकते हो, वो इलेक्ट्रिक बस थी। यहाँ पे फाउंटेन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो फाउंटेन। तो ये मैं आपको क्लोज़अप शॉट दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो ये है फ्लोरा फाउंटेन, और देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे ये पूरा एरिया देख सकते हो कैसे, यहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हैं फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पे देख सकते हो नाम लिखा गया है फ्लोरा फाउंटेन, इसका इतिहास लिखा गया है। तो ये फाउंटेन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो अभी जाते हैं आगे। ये आप देख सकते हो सेंट्रल बैंक की बिल्डिंग। तो अभी यहाँ से स्ट्रेट अपने को जाना है। तो यहाँ पे और एक बैंक दिख रहा है, बैंक ऑफ इंडिया। तो बस आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से यहाँ पे बिल्डिंग्स है, और अभी अपने को जाना है स्ट्रेट आगे। तो चलते रहे। यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, और पहुँच गए हम लोग यहाँ पे। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, और बहुत ज़्यादा लाइन है यहाँ पे। मतलब मेरे को यहाँ पे पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लग गया, हाफ एन आवर्स तक आपको लग सकता है चल के, ये भीड़ भी बहुत रहता है। और ये आप देख सकते हो कितना लाइन है अंदर जाने के लिए। तो अभी बज रहे 5:10 के अराउंड, और इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। तो अभी मैं यहाँ पे लाइन में खड़ा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, और ये पीछे बहुत लोग लाइन में खड़े हुए हैं, और ये सामने मेरे जैसे ब्लॉगर ब्लॉग कर रहे। और ये लाइन आप देख सकते हो, 4-5 लाइन है। और वो सामने एंट्रेंस है येलो कलर का, आप देख पा रहे होंगे बहुत आगे, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल का। लाइन इतना बड़ा है, कम से कम 10 मिनट तो मेरे को रुकना पड़ा लाइन में। यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, बैग वगैरह चेक कर रहे हैं, एंड सामने काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। यहाँ आप देख सकते हो घोड़ा, यहाँ पे कौन कौन से डेकोरेशन देख सकते हो कितने अच्छे। वैसे कल लास्ट है तो इसलिए मैं आ जाया हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाइक, और इसमें जो डिज़ाइन है आप देख सकते हो, सब इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे चिप वगैरह चिपकाया गया है। और यहाँ पे नीचे कप वगैरह एकदम यूनिक दिख रही है, दिख रहा है ये बाइक। और ये आप देख सकते हो साइड व्यू इसका,
यहाँ पे पूरा मतलब। तो अभी इतना भीड़ भाड़ के बाद हम फाइनली एंट्रेंस के यहाँ पे पहुँच चुके हैं, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। जैसे कि आप सामने देख सकते हो एंट्रेंस में इतना अच्छे से लिखा गया है। और चलिए अभी एंटर करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2023। तो वेलकम टू काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। यहाँ पे आप देख सकते हो होर्डिंग्स वगैरह है, फूड फेस्टिवल वेन्यूज़ यहाँ पे सब लिखा गया है। इवनिंग का टाइम हो चुका, इवनिंग टाइम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारी शॉप्स है, तो आपको सभी शॉप्स वगैरह मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो भीड़ देख सकते हो कितना ज़्यादा है यहाँ पे, वीडियो बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। थोड़ा टॉलरेट करिए। बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये 700 और ये कटलेरीज है, मिट्टी के बने हुए हैं। और रेट ये टीपॉट आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पे कप वगैरह रखे हैं, मस्त दिख रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सामने कौवे का पुतला है, यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोज ले रहे हैं कौवे के साथ। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो फोटोग्राफी सेशन चालू है। यहाँ पे एक यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं सब इंस्टाग्राम फोटोज। एंड यहाँ पे ये इसके बारे में लिखा गया है, ये क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपकॉर्न का स्टॉल, और यहाँ पे कॉफ़ी का भी स्टॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो काले घोड़े का स्टैचू बना गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं काले घोड़े के साथ। आप देख सकते हो देखो काला घोड़ा, और यहाँ पे आप सामने देख पा रहे होंगे ये साइड व्यू है, ब्लैक हॉर्स अच्छे से मतलब खूबसूरत स्टैचू बनाया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट हॉर्स, ये भी सेम आर्टिस्ट ने बनाया है ये दोनों। एंड सबका फोटोग्राफी सेशन तो आप देख ही सकते हो, बहुत सारे लोग फोटोज निकाल रहे हैं। और अगर आप भी देख रहे हो, अगर आपको भी यहाँ पे मतलब आप भी मेरे अगर वीडियो में आ गए हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि व्लॉग आपने भी देखा है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो देख सकते हो कितना लोग है यहाँ पे। और ये है काली कार, काला कार। यहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा है ना, क्या बताऊँ आपको। कार मुझे दिख नहीं रहा था सब एंगल से, मतलब सब जगह से लोग ये कार को घेर के रखे। तो इसका जो थीम है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कीबोर्ड का आपने देखा हो, कीबोर्ड देखा होगा आपने, तो कीबोर्ड कट करके यहाँ पे मतलब सब डिसमेंटल करके कीबोर्ड को यहाँ पे चिपकाया गया है इंडिविजुअल। ये आप देख सकते हो ये कार का साइड व्यू है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग सब जगह मतलब सब फोटोज़ ले रहे हैं, और कार 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 नहीं दिख रही है। तो मैं भी सोच रहा था यार कार को कैसे कवर करूं, तो हाँ मतलब सामने से भी ये एम्बेसडर कार है, और इतने लोग यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं ना,
कार ही नहीं दिख रहा है सच बोले तो। फिर भी पता नहीं इनके फ़ोटो में ऐसा क्या आ रहा है कि इनको कैसे कार दिख रहा है मुझे नहीं पता। तो भी मैंने वीडियो में अच्छे से इसको कवर करने का ट्राई किया है आपके लिए, आप पहचान लिए होंगे कि एम्बेसडर कार है। और अभी आप देख सकते हो मेरे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का व्हाट मेक्स अस वन ऐसा हैशटैग करके लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जिस किसी को भी इसका आंसर देना होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मार्कर और ये दिए गए हैं और इसमें लोग अपने अपने आंसर्स लिख रहे हैं और यहाँ पे इनका फोटोग्राफर है। यहाँ पे इस ये बच्चे ने देखो क्या लिखा है, लव करके लिखा गया है व्हाट मेक्स अस वन। अब यहाँ पे इमेजिका का यहाँ पे एक थीम बनाया गया है। यहाँ पे कुछ है रोलर कोस्टर, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने लाइट भी बना दी गई है, शाम का समय हो चुका है और याद होने वाला है, तो अभी ये लोग ने लाइट बना दी। और यहाँ पे लिखा है देखो लाइफ एज ए रोलर कोस्टर। ये मैं अंदर हो चुका हूँ, तो यहाँ पे सब देख सकते हो रिफ्लेक्शन और यहाँ पे मिरर्स वगैरह लगाए गए हैं। ऐसे ही छोटा सा मस्त बना के इन्होंने प्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो चलने के लिए जगह नहीं है, कितने लोग हैं, फुल भीड़। मुझे लगा ही नहीं था इतने लोग आने वाले, मैं भी पहली बार गया था काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल देखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, वो भी एक जगह पे बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छे से यहाँ पे ड्राइंग स्केचिंग कर रहा है वो, और वो सामने जो लड़की बैठी है उसका आर्ट देख सकते हो कितना शानदार और खूबसूरत बनाया है इसने। और इसके चार्जेस है कुछ 250-300 के आसपास ये लोग चार्ज करते हैं नॉर्मल पोर्ट्रेट के लिए, और कलर पेंटिंग का भी कुछ तो यहाँ पे रेट है इनका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग बना के ले रहे हैं अपने अपने फ़ोटो, लाइव स्केच आप देख सकते हो। तो मैंने ये आपके लिए रिकॉर्ड किया है जस्ट कि कैसे ये लोग ड्रॉ करते हैं अच्छे से। और वो जो साइड में जो बैठी है उसका तो मस्त स्केच रेडी हो चुका है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया वीडियो। और ये अभी आप सामने देख सकते हो ये आर्टिस्ट बना रहा है। तो यहाँ पे मैं खड़ा था ये आर्ट देखते हुए, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कितने फास्ट ये लोग बना देते हैं आर्टवर्क। ये स्केच देखो कितना कमाल का दिख रहा है, वो सामने जो बैठे हैं उसका ये यहाँ पे स्केच बना रहा है एकदम मस्त। यहाँ पे और एक वाइट घोड़ा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी स्केच वर्क्स चालू है, कितने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बना रहे हैं ये लोग, स्केचेस बना रहे हैं यहाँ पे ये लोग, देख सकते हो आप कलर पेंटिंग बना रहे हैं। ये भी सही आया है एकदम मस्त। यहाँ पे कलर्स और यहाँ पे फोटो देख के बना रहे हैं यहाँ पे आर्टिस्ट। ये देखो इसका ये स्केच बन गया है, ये इनका ये दिख रहे हैं यहाँ पे स्केच, बहुत पसंद है यहाँ पे। लोग भी देख सकते हो कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये देख सकते हो घोड़े के साथ यहाँ पे ये साइड में जो घोड़ा है यहाँ पे, लोग बैठ के फोटोज सब निकाल रहे हैं। ये हरा घोड़ा करके यहाँ पे लिखा गया है, मेड आउट ऑफ वेस्ट, सब प्लास्टिक की बॉटल्स है,
अलग अलग डिज़ाइन के, और सबको रिसाइकल मटेरियल से ये हरा घोड़ा बनाया गया है, ग्रीन सेव एनवायरनमेंट। ये यहाँ पे एक स्टोर देख सकते हैं, ये कैसा है एकदम यूनिक। प्राइस भी देख सकते हो, 3500 फॉर सिंगल पीस, कितना ज़्यादा महंगा है। पन काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, ये आप वीडियो में भी देख सकते हो, और असली में देखना, असली में देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो वो वीडियो जस्टिस कर रहा है, और आपको पता लग रहा है कि कैसा था ये। यहाँ पे देखो हैशटैग का सिंबल बनाया गया है, और यहाँ पे लिखा है बी योर ओन हैशटैग। सो फोटोग्राफीज आप देख ही सकते हो, कितने लोग यहाँ पे फोटोज ले रहे हो। और यहाँ पे और एक है क्रैक योर ओन कोड, तो सब फोटोग्राफीज के पॉइंट्स हैं अच्छे खासे। लोग भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि कल लास्ट दिन है इस काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल का। तो बस मेरे जैसे ही यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, एंड अगर आप भी वीडियो में हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कैसा लगा आपको काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल देख के, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके अंदर जाने के लिए यार बहुत ज़्यादा लाइन भीड़ था, तो मैं तो नहीं गया, पर आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शॉप, उत्तर प्रदेश से ये लोग आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बास्केट का शॉप है यहाँ पे भी। ये रहा अलग अलग टाइप के बास्केट, और देख सकते हो कितने यूनिक डिज़ाइन में ये लोग ने बास्केट बनाए गए हैं। ये देख सकते हो कितने बास्केट जैसे मेरे को लग रहा है। तो अभी मैं आपको पूरा काला घोड़ा फेस्टिवल एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सप्लोर हम लोग कर ही रहे हैं, और बहुत सारे शॉप्स वगैरह मैंने सारे चीज़ें कवर किया है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, फिर भी मैंने आपके लिए सारे चीज़ें, सारे अट्रैक्शन और सारे शॉप्स कवर किए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए और एक्सप्लोर करिए आप, अगर आपने काला घोड़ा फेस्टिवल मिस किया होगा तो, या फिर अगर आप भी जाके आए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कौन सा अट्रैक्शन और या फिर जो भी कौन सा शॉप है जो भी अच्छा लगा आपको, वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपका क्या एक्सपीरियंस था काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, अगर आप जाते रहते हो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, तो उसके बारे में भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि और लोगों को भी मदद हो सके। तो 2023 का काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं तो पहली बार देखने गया था, और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था कि अच्छे से, मतलब ठीक से एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहा था मैं। फिर भी यहाँ पे शाम के समय गया था मैं, सैटरडे इवनिंग, तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। और आज जो कि है संडे, तो ख़त्म होने वाला है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे वारली पेंटिंग्स टाइप ये लोग है ने बनाया है, तो इसका प्राइस ये है। अंकल कुछ बोल रहे हैं, और ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये पेंटिंग का ये कॉस्ट बता रहे हैं 3000 रुपीज़। और ये जो सामने आप
देख रहे हो कई सारे पेंटिंग, ये जो खड़े हैं वही आर्टिस्ट है, इन्होंने ये सब पेंटिंग्स बनाया है। तो पेंटिंग्स काफ़ी मतलब 3000 रुपीज़ के रेट में है, अलग अलग पेंटिंग्स के अलग अलग रेट होंगे। मैंने इस यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं पेंटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे सामने आप देख सकते हो स्क्रीन भी लगाया गया है फादर दादा साहेब फाल्के 800 फ्रेम्स जो भी आप स्क्रीन में देख सकते हो। और अभी आप देख सकते हो लाइटिंग वगैरह लगनी शुरू हो गई है, शाम का समय हो रहा है अभी, मतलब 6 बजने को आ गए। तो यार इतना ज़्यादा भीड़ है कि मैं आपको जो भी अट्रैक्शन है यहाँ पे वो मैं आपको ठीक से दिखा भी नहीं पा रहा। यहाँ पे ये जो बनाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ शू सोल करके कुछ तो बनाया गया है, और यहाँ पे बहुत लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं अपने अपने। तो ये देख सकते हैं आप, सो ये नीचे आप देख सकते हो शू, दो शूज़। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये अच्छा ये दूसरा है, ये कॉस्मिक टर्टल करके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये टर्टल यहाँ पे बनाया गया है ऐसे। तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा मज़ा आ रहा है, नीचे कमेंट करिए और लाइक तो ज़रूर करिए, लाइक एक लाइक तो बनता है, दो बार लाइक मत कर देना, एक ही बार लाइक करना। और टर्टल आप देख पा रहे होंगे तो भी कमेंट करके बताना। ये देखो हवा जोर से चल रही है, फुल देख सकते हो आप। यहाँ पे देखो ये स्टैच्यू कितना खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके साथ फोटोज निकाल रहे हैं, हालांकि वो तो बनता ही है। ये आप देख सकते हो कार, और कितना यूनिक डिज़ाइन अच्छे से बनाया है, रेसिंग कार दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद ये देखिए रेसिंग कार। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब ये देखिए जॉय, एकदम डिज़ाइन एकदम यूनिक और शानदार दिख रहा है बहुत। इसका मैं आपको अच्छे से वीडियो में दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, मतलब आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं था। अभी देख सकते हैं एवरी डॉग हैज इट्स डे, ये मैस्टिक के इस बॉक्स में ये लोग ने डॉग्स का फोटोज़ लगाया है, और ये जो आर्टवर्क है यूनिक ऐसे ये लोग ने बनाया है। तो ये क्लोज़अप शॉट आप देख सकते हो कैसे दिख रहा है, डॉग्स मैच बॉक्स के ऊपर ये लोग ने फोटोज़ लगाए गए हैं, और अलग अलग टाइप के यहाँ पे डॉग्स आपको दिख रहे हैं, काफ़ी यूनिक ऐसे अच्छे से बनाया गया है। और अभी यहाँ पे ये कुछ तो है जय श्री करके लिखा गया है,
तो देखते हैं अभी आगे और क्या है। ये देखिए, ये कुछ तो शेप आप देख सकते हो, बहुत लोग हैं यहाँ पे, भीड़ बहुत है। तो एक ऐसे एक ओवरव्यू दिखा दो आपको राउंड मार्ग से। चलिए देख सकते हैं, सारे जगह से लोग फोटोज़ निकल रहे और अभी इसके अंदर जाने के लिए बहुत भीड़ है, तो बाद में चलते हैं। फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ही बाहर से दिखा देता हूँ कैसे है, दिख रहा है। ये देखिए रेसिंग कार, भीड़ आप देख सकते हो भर भर, मतलब। तो भी यहाँ पे मैं आपको अच्छे से वीडियो दिखा पा रहा हूँ। ये एकदम कमाल का दिख रहा है ना। चलो अभी अंदर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मिरर्स वगैरह लगाए गए हैं। ये देखिए आंध्र प्रदेश से ये प्योर लेदर का बनाया गया है। मैंने इनसे रेट पूछा तो ये कुछ 3,500 जो लैंटर्न आप देख रहे थे स्टार्टिंग में, मैं आपको बताता हूँ आगे, तो वो कुछ 3,500 के रेट में बोल रहे थे। और ये जो आर्ट वर्क है ये पूरा लेदर से बनाया गया है, तो देख सकते हैं लेदर आर्ट वर्क है, इसलिए एक्सपेंसिव है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने इनका शॉप एक्सप्लोर किया। तो लोगों का चहल पहल और ये एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं मुंबई की लोकल ट्रेन से ही ट्रैवल कर रहा हूँ। इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ है, आप आसपास देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। चलने को भी यहाँ पे जगह नहीं थी और मतलब मुंबई लोकल ट्रेन का जो जर्नी है, अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो वही सेम एक्सपीरियंस यहाँ पे आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे भीड़ कम है, मुंबई लोकल में इससे ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, जो कि काफ़ी फेमस है मुंबई का। और अभी हम लोग एंड यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये सामने ख़त्म हो गया है सब, इतना ही है। मैं आपको और एक और एक्सप्लोर करते फिर से एक बार घूमते, और जो भी चीज़ें मिस हुए हैं वो साइड से, जो राइट साइड से जो भी चीज़ें मिस हुए हैं अपने, वो हम लोग कवर करते। पहले यहाँ से एंड तक जाते और देखते और कुछ है क्या। यहाँ पे भीड़ देख सकते हो, जाने के लिए भी जगह नहीं है, फिर भी लेट्स गो। और एक राउंड मारेंगे राइट साइड से, फुल घूमेंगे हम लोग, आप पूरा वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्लीनिंग कर रहे हैं एकदम चकाचक, सेल्फीज वगैरह लोग ले रहे हैं। तो यही है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, रेसिंग ट्रैक देख सकते हो कितना अच्छे से बनाया गया है।
तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हैंडलूम का शॉप है यहाँ पे। और ये कहाँ से है? ये तेलंगाना से आए हैं। ये भी काफ़ी यूनिक है, अच्छे से। एंड ये क्या है? मैसूर कला मार्ट्स दिल्ली। ये लोग दिल्ली से आए हैं। और वो आप सामने देख सकते हो, वो जो ये 75,000 का है, और वो जो आप देख रहे हो वो 3.5 लाख रुपए का है। तो वीडियो शूटिंग करने नहीं दे रहे थे, फिर भी मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत शूट किया था, तो मैं आपको वीडियो में डाल दिया हूँ। ये देख सकते हो लीप ऑफ फेथ, ये देखिए। ऐसे बहुत सारे यूनिक यूनिक डिज़ाइंस आर्टिस्ट लोग ने बनाया है। और ये आर्ट वर्क आपको, मतलब इनको देखने का नज़रिया ही अलग होता है। तो जो भी आर्ट के शौकीन होते हैं ना, उनको ये आर्ट वर्क सब समझ में आता है कि कैसे देखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एग्ज़िट, ये सामने एग्ज़िट है। यहाँ पे शायद ये यहाँ पे एग्ज़िट है, ये बैक साइड है। तो शायद लायन गेट है वो सामने जो दिख रहा है, ये दूसरा एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए वापस फिर से एक बार घूमते, राइट साइड से अभी मैं घूम रहा हूँ। ये देखिए, ये जो भाई है वो लिख रहे हैं, हुएवर रिमूव्ड 29th and 30th फ्रॉम फेब्रुअरी प्लीज़ रिमूव 14th February। ऐसे ये लोग ने लिखा है, इसने लिखा है। तो ये जो है यहाँ पे जो स्कल्पचर जो बनाया गया है यहाँ पे, तो ये इसका नाम है राइजिंग ऑफ द फिनिक्स। और ये देख सकते हो ये जो लड़की है ये भी सेम पोज दे रही है इसके जैसे। तो काफ़ी जो भी ये, मतलब यहाँ पे है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में, काफ़ी यूनिक और काफ़ी कुछ कुछ एक्सप्लोर करने मिल रहा है। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो ट्री लाइटिंग्स वगैरह अच्छे से किया है यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं जब आया था वो ससोनडॉक आर्ट फेस्टिवल देखने के लिए, तभी यही रास्ते से गया था और यहाँ पे एक इंसान भी नहीं था। तो बहुत खाली रोड रहता है ये यूजुअली। और काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल के टाइम में आप देख सकते हो क्या सीन है। फुल जो भी दोनों साइड से शॉप्स है और बीच में थोड़े बहुत अट्रैक्शंस हैं। और ये लाइन देख सकते हो यहाँ पे फ़ोटो निकालने के लिए, अंदर इतने लोग खड़े हैं। मैं तो नहीं गया, मुझे फ़ोटो वगैरह नहीं निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ तो बनाया गया है, परसेप्शन जो होता है घर का, जो मतलब पुअर पीपल जो भी, तो वो लोग घर कैसे है, मतलब उनका ये आर्टवर्क या ये आर्टिस्ट ने बनाया है, परसेप्शन जो आप बोलते हो ना कि घर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो घर बनाने के लिए पैसे नहीं होते। जो पुअर लोग हैं तो उनका एक जो भी आर्टिस्ट ने बनाया है ऐसे पोर्ट्रे किया है अपने इमोशंस आर्टवर्क में। और ये यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे देखता हूँ, 5 मिनट यहाँ पे बैठते और निकलते। देख सकते हो भीड़ तो थोड़ा। यहाँ पे आप शॉप देख सकते हो, प्राचीन हैंड ब्लॉक पेंटिंग कुछ कुछ है यहाँ पे लिखा गया है।
और ये सब महाराष्ट्र की शॉप्स है। ये मध्य प्रदेश से आए हैं। ये हरा घोड़ा आप देख सकते हो, प्लास्टिक बॉटल से बनाया गया है। और यहाँ पे जो अंकल बैठे वो देखिए फॉरेनर लग रहे हैं मेरे को तो। और एक अलग ही वाइब है, तो इनके साथ भी लोग फोटोज़ निकल रहे हैं। और ये आप देख सकते हो कितना अच्छे से बनाया गया है। यहाँ पे शॉप्स वगैरह तो है ही साइड में। यहाँ पे देखो जो भी फोटोज़ यहाँ पे खींचे, फोटोज़ देख सकते हो, यूनिक इमोशंस देख सकते हो फोटोग्राफी में। सो ये सब देखने में मज़ा आता है, यूनिक चीज़ें लगते हैं। और हर एक का अपना अपना परसेप्शन होता है, तो उस हिसाब से फोटोग्राफी आप देख सकते हो कैसे है। ये तो फॉरेन का फोटो है, ये देख सकते हो। सबका अलग अलग एक थॉट प्रोसेस होता है, सब अलग अलग सोचते हैं। सब देखने का नज़रिया भी अलग होता है सबका, तो एक जो परसेप्शन जो होता है वो एक यूनिक चीज़ होता है। ये ज्ञान मुद्रा ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया गया है। सो यहाँ पे और आर्टवर्क्स देख सकते हो, कितना यूनिक तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये जो है वर्ड्स है, कैलीग्राफी है ये बेसिकली। सो कैलीग्राफी देख सकते हो कितना यूनिक होता है ना कैलीग्राफी, मतलब डिज़ाइन वाइज बोलो, आर्टिस्ट का थॉट प्रोसेस बोलो, सो बहुत ही यूनिक होता है। ये आप देख सकते हो बोर्ड काला घोड़ा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे नीचे जो है उसका रिफ्लेक्शन है, नीचे मिरर रखा गया है, ऐसे आपको लग रहा होगा कि वो। और यहाँ पे तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो देख के, व्लॉग मज़ा आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लेमिंगो लिखा गया है, यहाँ पे फ्लेमिंगो देखने चलते हैं, आर्ट गैलरी MMB। यहाँ पे आप देख सकते हो फीचरिंग फ्लेमिंगोस। तो चलिए देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अंदर। तो मैं अभी अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पे फ्लेमिंगोस के बारे में इंफॉर्मेशन दिए गए हैं और फ्लेमिंगोस बारे में फैक्स वगैरह जो भी है वो सब यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लेमिंगोज। और मेरे हिसाब से मतलब नवी मुंबई में एक जगह है फ्लेमिंगोज देखना है तो, अगर आपको देखना होगा तो। वो भी सीज़न होता है, विंटर सीज़न के दौरान ही कुछ आता है फ्लेमिंगोज। सो ये फ्लेमिंगोज आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन्स प्रोजेक्टर्स वगैरह लगाए गए हैं। और फ्लेमिंगोज के जो फोटोज़ हैं वो आप देख पा रहे होंगे, वीडियोज फोटोज जो भी है। फ्लेमिंगोज यहाँ देखिए, अलग अलग मतलब उनके भी दो टाइप्स होते हैं ना फ्लेमिंगोज के भी, आप देख सकते हो वो। सो
यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टर वगैरह लगाया गया है। ये फ्लेमिंगो एग्जीबिशन है और अच्छा है, इंफॉर्मेशन ये देखो, ये सोच के आपको क्या दिख रहा है, ये कुछ तो अब देखते रहो, मज़ा आने वाला है क्योंकि ले। और यहाँ पे आप देख सकते हो, वाओ, अभी आपको पता चला क्या है ये फ्लेमिंगो। तो कैसे अच्छे से कॉन्सेप्चुअल मस्त बनाया गया है। कलर देख सकते हो, कलर विलर सही है। बस अभी एग्जिट बाहर, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एम्बेसडर कार। तो अभी सामने से कार थोड़ा बहुत दिख रहा है, होपफुली आपको भी दिख रहा होगा। जाने के टाइम तो मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा था एम्बेसडर कार, तो इसलिए मैंने सोचा और एक बार इसको कवर किया जाए। तो ये आप सामने देख सकते हो, और ये कौवा जाने के टाइम मैंने आपको दिखाया। अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ फिर से। अभी यहाँ पे पॉटर्स मार्केट है, तो चलिए ये एक्सप्लोर करते हैं अभी क्या है। लेट्स सी पॉटर्स मार्केट। यहाँ पे जाने के लिए भी मस्त एकदम। और अभी हम लोग जस्ट पहुँचने वाले हैं। पॉटर्स मार्केट, पॉटरी जो भी है, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। व्लॉग में आपको मज़ा आ रहा होगा। अभी पॉटर्स मार्केट मैं तो गया नहीं, यहाँ पे साइड में था। यहाँ पे ये गार्डन टाइप है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने यहाँ पे आ गया हूँ। पहले ये एक्सप्लोर करते फिर जाते हैं पॉटर्स मार्केट देखने के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे रॉकेट मिसाइल। तो यहाँ पे कुछ इवेंट चल रहा है शायद, तो चलिए देखते क्या है। I make it a point to visit the bookshop at least, ideally two times a month at least, but at least once. And then we have long conversations about, and because she is a bookseller, she gets advanced copies of books published abroad, which is a great thing. And in terms of translation, I think my best conversations have been with two British translators, Danny Hahn, who has been a friend, a mentor, and has shown the way to where translations can go, and Deborah Smith. तो अभी मैं पॉटरी मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉट्स वगैरह यहाँ पे बना रहे हैं।
यहाँ पे प्लांट्स वगैरह आप देख सकते हो, नेचर प्लांट्स। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे प्लांट्स हैं। और ये अभी मैं ये मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लैंटर्न्स वगैरह देख सकते हो खूबसूरत। यहाँ पे पेविलियन बनाया गया है यहाँ पे प्लांट्स का, ये आप देख सकते हो ये सब। तो अभी आप मार्केट देखो, ये सेलिंग के लिए है, मैंने रेट नहीं पूछा, मैं बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे प्लेट्स वगैरह देख सकते हो, यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये लोग ने बनाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाटरमेलन, ये ऑरेंज, अलग अलग टाइप में सब अच्छा दिखता है, यूनिक है, कुछ अलग है, कुछ हटके है मतलब। और ये देख सकते हो यहाँ पे गणपति, लॉर्ड गणेशा का मूर्ति वगैरह ये लोग ने अच्छे से बनाया है, अच्छा दिखता है। ये आप देख सकते हो अलग अलग टाइप्स के। तो अभी आ गए हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री से, एक सेल्फी एट द पेविलियन लिखा था, सो वी आर राइट हियर टेकिंग सेल्फीज एंड। तो अभी बहुत सारा एक्सप्लोर कर लिया है हमने, और ये आप देख सकते हो वीडियो में कैसे व्लॉग में लाइट वगैरह कितना यूनिक दिख रहा है, तो इसलिए मैंने ये फुटेज लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉर्ड बुद्धा, मस्त है ना। सो अभी मैंने एक्सप्लोर कर लिया है और अभी निकलने का टाइम हो गया, मैं बाहर आ गया हूँ अभी, एंड अभी वही चल के जाना है अपने को छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन, CSMT रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से चल के वापस अपना जो जहाँ से अपन हम लोग आए थे वहीं से हम लोग वापस रिटर्न जा रहे हैं। और ये काला घोड़ा का जो भी एंट्रेंस है आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो सामने जो लगाया गया है वही है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। अभी बज रहे हैं 8:30 के आसपास, फिर भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को और एक कुछ चीज़ दिख रहा है, ये आप दिखा रहा हूँ मैं, जहांगीर आर्ट गैलरी है ये सामने, यहाँ पे भी मैं विज़िट कर चुका हूँ पहले पर वीडियो में कभी बनाया नहीं था। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो जहांगीर आर्ट गैलरी आपको ज़रूर से बताऊँगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे साइड में मेरे को आर्ट एग्जीबिशन दिख रहा है और हम तो हैं आर्ट के शौकीन, तो चलिए घूमते हैं ये अपना आर्ट एग्जीबिशन में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पेंटिंग्स वगैरह, ये यूनिक पेंटिंग्स, तो ये
आर्ट गैलरी, आर्ट एग्जीबिशन, अलग अलग आर्टिस्ट, और ये आप देख सकते हो सिटी वाइब्स, नेचर यहाँ पे पेंटिंग किए गए हैं। और ये ब्लॉग एकदम रॉ ब्लॉग है, आप देख सकते हो एकदम जैसे मैं रैंडम, मतलब जीरो लेटेंसी, वो बच्चे को पहले करना पड़ेगा, वो थोड़ा उसका लास्ट लास्ट मिनट में जा रहा हूँ मैं चल के। और ये आपने फ्लोरा फाउंटेन देखा था जाने के टाइम, मैंने आपको दिखाया था। और अब ये आप नाइट व्यू देख सकते हो यहाँ पे कितना खूबसूरत, और ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। लाइट्स वगैरह आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे। सो अभी वही रास्ते से वापस मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन लेके सीधा घर। ठीक है, फिर
एंजॉय करो,